but love generally for me would be lots of red, lots of orange. But you can get away with it. So for example, up to some chief pen, up yampa red pen set, but I would do it with blue. But mujhe pata thora sa, and for me that's enough. Main koi colors ka shaukeen itna mujhe waise bhi nahi hai. Shaukeen nahi hai. For me it's, you know, I stick to certain, you know, a simple palette. But thora sensible rehna padta. Chale aap mujhe fashion police kare aaj ke kapdon pe. So I would not wear those jeans. I think aap jeans aap pehne. I think aapke size ke hisab se jeans aap pehne. Sahi hai, main badal gir gaya. हाँ तो चले ठीक है. माशाल्लाह आपकी हाइट भी सही है, सो आई वुड से उसको एक्सेंचुएट करें. एंड बाय दैट आई मीन आप स्लिमर ट्राउजर्स पहने, स्लिमर जीन्स पहने, डार्क कलर का पहने ताकि फिर वो स्ट्रॉन्ग कलर भी हो. एंड अगर आप कुर्ता पहन रहे हैं तो आई वुड से जस्ट अ लिटिल बिट, यू नो, डिफरेंट टू दिस. मे बी इसकी लेंथ थोड़ी छोटी और छोटी हो, जस्ट अ लिटिल. That's it. I think don't mess around with your hair. Don't do the gel thing. You know, say it. Baki sab cheez say it. Because bache nahi hai, toh tani ka thoda din dragon gel lagala. Say it. Agar hidayat thoda din khana zada aaja, toh phir samdari rakhe toh bahut rakhe. I think aapko suit karega. But no, I don't think change too much. But that's for right now. Agar aap meetings mein jaaye, then I would do a full makeover on you. Say it, of course. And I think for you. Again, I mean, based on who I'm meeting, I do take care of myself. मैंने अपनी wardrobe वैसे ही बहुत कम कर दी है. I've given away most of my clothes and limited है. लेकिन वो ये कि. But it's a whole experience, and fortunately, unfortunately, there's a price attached to all of this. But इस मुल्क के अंदर मैंने वही देखा कि आप ये सब enjoy कर सकते हैं. और ये फुल मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. मैं चाहूँगा कि आप इन सब की भी एक फैशन पुलिस कर दो, तो उससे सारा भी हाँ इनको एक थर्ड पार्टी के रूम में मिलेगा. आप आ जाए बैठे. क्या बताऊँ, नॉट के ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज जस्ट नहीं नहीं जैसे मैं आपको देखता हूँ कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो हमारे मज़हब का, मदर साहब जाते हैं माशाल्लाह, तो मुझे ये होता है कि जब आप जैसे लोग आप बहुत अच्छा काम करते हो, ज़बरदस्त मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन जब कोई बच्चा जैसे कोई अगर बच्चा अपनी माँ के साथ है और आप चल रहे हो मैं चल रहा हूँ, तो बच्चा कह के मामा मामा उसको देखो, बच्चा मेरे तरफ कर या आपके तरफ, माँ कहेगी हाँ तुम बड़े होके उसकी तरह बने, वो आपके तरफ इशारा नहीं, वो मेरे तरफ इशारा नहीं. और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है बिकॉज मैं सिर्फ सूट पहनूँ, तो मुझे ये होता है कि आपके जो सेगमेंट है, अगर मैं इतना ब्लंटली कह दूँ कि थोड़ी सी अगर आपकी मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाए लुक एंड फील पे, तो बहुत सारे लोग हैं यार ये भी अच्छे लोग हैं. सर मैं जो इस तरह का मिशन आदमी हूँ, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि प्रमोट, वही फैशन पुलिसिंग इसी को कहते हैं कि आप क्या बने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें. असल में क्या होता है कि आप हम तो आपने भी पहना क्योंकि आप शायद कुरान जब पढ़ते हैं, आप जमीन पर बैठे हुए आप नमाज पढ़ रहे, तो आप मेरे लिए कम्फर्ट है, मज़हब के हिसाब से भी सही होना चाहिए लिबास, ये सारी चीज़ें. बट आप स्मार्ट भी लग सकते हैं और इस वक्त आप मतलब स्मार्ट नहीं लग रहे, तो मेरे जहन में ये होगा कि आप डिफरेंट स्टाइल ऑफ शलवार कमीज हो, मे बी शलवार नहीं हो ट्राउज़र हो, आपकी हाइट के हिसाब से भी फिर वो आप थोड़े और भी लगेंगे, मैचिंग भी हो कोई मसला नहीं है, आपका कुर्ता का कफ थोड़ा से हो, एम्ब्रॉयडरी ज़रूरी नहीं बट जस्ट थोड़ा सा कफ हो, या उसकी कोई मतलब डिज़ाइन एलिमेंट कुछ अलग से हो, दाढ़ी वगैरह आपका माशाल्लाह ऐसा ही है बट जस्ट थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है. आई थिंक ज़्यादा यू नो दिस इज द फाइन पॉइंट, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वही छोटी छोटी अगर आप इसको बातें बता दो तो कर भी लेगा, लेकिन आप उसको कहना भी दाढ़ी में क्या उसको क्या इस ग्रूमिंग क्या करे वो. आई थिंक दिस वो कॉम की ज़रूरत होती है ना. आई थिंक शेप का तो आप कुछ करने से रीज़न कितनी अच्छी माशाल्लाह दाढ़ी है, मैं खुद भी नहीं कहना चाहूँ कि उसको करे, बट वो ये ना फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है ना आप, और आपको वही करना है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब, आपको वही करना है जो आपको सूट करता है.
अभी मैं अगर आपको कहूँ कि आप बाल आप किस तरफ बनाए और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका कोई पर्पस नहीं होता है। आई थिंक आप ये एक सबके लिए एक जर्नी है, तो आप खुद ही थोड़ा ट्राई करें, आप खुद ही सोचें आपके जो। जो मैं अगर कुछ गाइड अगर मैं कुछ कहूँगा तो एक जो आपका बनियान है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आना चाहिए। फिर आपका जो बटन है वो लगा हुआ नहीं है, वो आपको बटन का ख्याल करना चाहिए। फिर आपके कॉलर पे जो है वो काला गा गई है, कुर्ता जो है आप दूसरे तीसरे दिन लग रहे हैं पहने में सेम कुर्ता, तो वो कम से कम अगर नहीं भी पहने हुए तो बोल ये रहा है। तो उसकी जगह अगर आप लट्ठा इस्तेमाल करें, उसकी जगह आप जैसे लट्ठा होता है ना बार बार, एक दिन से ज़्यादा चलता नहीं हो बेचारा, तो आपको क्रीज लगवानी पड़ती है उसके अंदर, क्या कहते हैं उसको, स्टार्च करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कलफ कलफ लगवाना पड़ता है। तो आप अगर वो कलफ वाले कपड़े पहनते हैं, जो लोग जैसे जितने भी अच्छे मौलाना आपको मिलेंगे वो अच्छे कलफ वाले कपड़े पहने होते हैं, उससे क्या होता है कि वो उनकी बुर्दबारी में इजाफा हो जाता है और वो प्रेजेंटेबल बन जाता है। प्रेजेंटेशन का ताल्लुक आपके इससे नहीं है कि आप जीन्स पहने हुए हैं या क्या पहने हुए हैं, और उससे है कि आप ग्रूम कितना है। ग्रूम एक सलीका जो है ना, उसका सही वर्ड होता है सलीका कितना मैं है। आपको बताऊं, क्योंकि आप मजहब के ब्रांड एम्बेसडर हो और लोग आपको देखेंगे कि आप जो कहते हैं, आपके जो कहने का जो तरीका है, जो चीज़ें वहाँ से निकलेगी कि आप एक पढ़े लिखे इंसान मजहब के हिसाब से, तो अगर आपने कह दिया तो हमें बस मान लेना चाहिए। लेकिन जब आप जैसे रेहान भाई ने तो काफ़ी ब्लंटली कह दिया कि आप कह सकते हैं, मैं थोड़ा फिर इम्प्रेशन क्या पड़ता है कि ट्रस्ट एलिमेंट नहीं हो जाता है। तो कहते हैं कि इनकी जब कपड़े सही नहीं और बनियान थोड़ा सा लग रहा पुराना है या अपने आप के ऊपर एफर्ट नहीं किया है, तो क्या एक्चुअली वो जो कह रहे भी वो भी सही है कि नहीं, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं वो घिर जाता है थोड़ा। इसलिए आप देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोग सबसे क्यों मतलब इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, बेशक एक ही सूट हो तो उस पहने, लेकिन वो पहनेंगे ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो। तो आप तो ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर मजहब का, आप जो कहेंगे लोग सुनेंगे। आप अगर किसी को नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, इसको क्या पता है इसको खुद की तहारत है, कोई इस तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा मतलब केयर टेक करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास 5 शलवार कुर्ते, वो 3 कर लें लेकिन अच्छा कर लें, रोज उनको धोए साफ करें, ये जो सारे उन्होंने कहा बनियान ये सारी चीज़ें, ताकि सामने वाले को लगे कि मैं इस पर 100% भरोसा कर सकता और ये कोई बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं होती, ये आपको साल में 2-3 ही लेने हैं ना। वो बार बार यही कह रहे हैं कि देखें रमीज़ अल्लाह वाला जो है उनके पास कहते हैं मैंने सारे अपने कोड़े दे दिए, टोटल 3 सूट हैं उनके पास दुनिया में, लेकिन कहते हैं 3 जो हैं वो फिर ढंग के हैं और दुनिया सारे दुनिया वो पढ़ाते हैं, ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन मिनिमलिस्ट हैं। अभी आप जिस स्टेज पे हैं ज़िंदगी की वो आप मिनिमलिस्ट नहीं, मिनिमलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको कम से कम चीज़ चाहिए। आप कहते हैं ये भी मेरे पास, गाड़ी भी आ जाए, जहाज़ भी आ जाए, हवाई मोटरसाइकिल भी आ जाए, घर भी आ जाए, सब आ जाए। जब आप 50 के होंगे, जब आपको सब आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। एक स्टेज होता है ज़िंदगी का, नेचुरली सबके साथ, ये सबके साथ होता है। जब आपके पास सब कुछ आ जाता है फिर आप उसको देना क्यों करते हैं, आप लाइफ प्लान बनाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं जब पैसे आ जाएंगे तब तो मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ पैसे कमा रहा। बैलेंस ख़राब हो जाता है। बैलेंस क्या है, उसी ज़िंदगी में 5% 10% आप देते हैं सदका उसका। जो लोग बुढ़ा होने का इंतज़ार करते हैं वो फिर कभी भी नहीं करते, कभी भी कुछ नहीं कर पाते। बैलेंस क्या है कि अभी 5% देते रहे ज़कात उसकी, सदका देते रहे, अभी ही कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को जो आप कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ ने आपकी क्वांटिटी में नहीं आपको अजर देना, नीयत पे अजर देना है। ठीक है, आपने किस तरह वो इस्तेमाल किया। हाँ, तो छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं कि अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको पूछ रहा हूँ आपने कितना खर्चा किया ये शलवार कमीज के ऊपर, तो फिर मैं आपको एक सजेशन दूँ कि आपने बिल्कुल बनाया है एक अच्छा तक 1200 रुपये का कपड़ा और 450 रुपये से तो लेस देन 2000 रुपीज। इतने में आई एम प्रीटी श्योर आपको एटलीस्ट सेल पे आपको ये ब्रांडेड स्टोर से भी आपको कुर्ता और शलवार मिल जाएगा। मुझे पता है पजामा और ट्राउजर जो है वो 425 का 475, नॉट कि मैं प्रमोट करना, बट
वही है, और उसी से आप फिर आपका जहन भी चेंज हो जाए। ब्रांड स्टोर मसलन जो आपके एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है बता दें, खाली है, जुनेद जमशेद है, अमीर अदनान है, इस तरह के, तो जरूरी नहीं कि आप सोचे नहीं वो स्टोर्स में जाने के लिए। ये भी है कि ये इंडिपेंडेंट स्टोर्स भी चलने चाहिए जो कुर्ता लादा और ये सब जो भी जो होता है, और यहाँ पे भी मिल जाते हैं, बट आप यही देख ले कि मैं अपने पैसे लगा रहा, आपकी मेहनत की कमाई है। इससे सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या मिल सकती है, इससे सबसे बेस्ट चीज़ मेरे बारे में क्या रहेगी, ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या फील होगा उससे, तो आप मुझे बताया आप ये पहले आपको क्या फील होगा। मुझे फीलिंग तय की हुई थी बेटा कि मुझे एक्चुअली मैं ये भी पहन के वो पेंच वगैरह भी पहन जो लेकिन इसमें ज़्यादा इजीली क्योंकि अपने जितने भी मैं नहीं नहीं मैं कंफर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जब पहनते हैं ये मुझे इसको संभाल के रखना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है या महंगी चीज़ है, क्या जैसे मैं तो बस मदरसा जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ या पैदल जा, मुझे बस पहन लेना है, फर्क नहीं पड़ता। नहीं बहुत सारे लोगों को यही होता है कि बस यार ठीक है। एक्चुअली मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस पे सोचा भी नहीं होगा कभी जिंदगी में, इसने सोचा कभी फर्स्ट टाइम कभी जिंदगी में सवाल नहीं किया किसी ने आज तक ना, और ये इसमें गलत ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस अब हो रही है, और मैं ये नहीं कहा इसमें बहुत ज़्यादा जहर है, ये मेरा शर्ट है, वाइट शर्ट है, ये सबसे मेरा फेवरेट शर्ट है, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान में जिस तरह मिट्टी होती है जहाँ जिस तरह बैठते करते हैं तो इनके कफ्स बहुत जल्दी मेरे हो जाते हैं, तो मैं इसको घर जाके फौरन, हालांकि मुझे तो धोने में डालना है क्योंकि ये रात को धोलेगा या सुबह धोलेगा, तो इसको जाके हैंगर पर लगा के अपने अलमारी के दरवाजे पर ताकि